तो हम लोग मनगढ़ पहुंच चुके हैं, मनगढ़ के कृपालु महाराज जी के तीर्थ स्थल के गेट सामने दिख रहा है, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कृपालु धाम, गाड़ी में बैठे बैठे आपको दिखा रहा हूँ। ये कृपालु धाम है सामने, ये आपको दिखा गेट, कृपालु स्थान, कितना प्यारा स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। अब हम जस्ट अपनी गाड़ी से गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और एंट्री करेंगे इस गेट से, मेन गेट से एंट्री करेंगे। देखिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कृपालु महाराज का गेट, तीर्थ स्थान। तो देखिए दोस्तों, कृपालु महाराज जी के तीर्थ स्थान के पास में पार्किंग, कितनी बेहतरीन पार्किंग है, और यहाँ हजारों की संख्या में कारें खड़ी हो सकती हैं। ये पार्किंग है, पार्किंग आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छे से यहाँ पार्क हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज़ की व्यवस्था। और ये सामने दिखाना चाहूँगा, सामने शौचालय बना हुआ, लेडीज़ और पुरुष सब लोगों के लिए शौचालय भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ के लिए, तो आप लोग आइएगा, यहाँ बहुत अच्छा स्थान। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कृपालु जी महाराज जी के तीर्थ स्थान पे कार पार्किंग में खड़ा हूँ, एक भैया मिले वहाँ मंदिर के बारे में, उनको अच्छी जानकारी, तो वो कुछ उनसे पूछना चाह रहा हूँ आखिर कैसे लोग यहाँ, कितनी भीड़ होती है, कौन समय में भीड़ होता है। तो भैया यहाँ पे कैसे और कहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर आप लोग, हम तो पहली बार आए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं इस बारे में, तो बताइए। यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब ये तरीके से समझिए पूरी यूपी से आते हैं। अच्छा अच्छा, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, दिल्ली से भी लोग आते हैं, जैसे कि हम ही लोग कानीपुर से आए हुए हैं। नहीं, दिल्ली से हम भी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ काफ़ी मतलब ये फेमस जगह है, बिल्कुल, और ये कृपालु जी महाराज का बर्थ प्लेस भी है। और यहाँ पे जैसे कि नियर है या कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और सर्दियों में तो मतलब ये पूरा आप जितना यहाँ जितना देख रहे हैं पूरा कैंपस, बाकी देख लीजिए पूरा फुल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ हम लोग ये मथुरा जाते हैं ना, वहाँ पे वृंदावन है, वहाँ राधा, ये वृंदावन से भी मतलब और उससे काफ़ी जगह में फैला हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी भी हैं बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं। अच्छा, काफ़ी मतलब मंदिर की तरफ से, हाँ काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और जो लोग वृद्धा आश्रम के लिए भी चल रहा है, अभी प्रोसेस है, हो सकता है साल दो साल में वो भी चालू हो जाए। तो देखिए दोस्तों, भैया ने इतना अच्छा बताया आगे कि स्कूल की तरफ, सॉरी मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे स्कूल भी चल रहे हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे अगर पहुँचोगे किसी चीज़ की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, कहते नहीं है दिल में होना चाहिए किसी के बारे में प्यार, तो हम जो मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, जो दोस्त वहाँ नहीं पहुँच सकते हमारे यूपी बिहार से जो लोग आते हैं, अगर उनको पास में वैसी व्यवस्थाएँ आनी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्थान है, तो हम आप लोगों को चल करके मंदिर के बारे में भी दिखाएंगे। कोई इसका कॉस्ट नहीं देना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए जहाँ तक हमारे समझ में पार्किंग भी कोई कॉस्ट नहीं है, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, और यहाँ खाने पीने की बाहर बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको सब चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम मंदिर में दर्शन करवाते हैं आप लोगों से। देखिए दोस्तों, पार्क या बाइक की पार्किंग भी बहुत अच्छी है, दोनों तरफ बाइकों की पार्किंग, यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत अच्छी ये मंदिर का गेट दिख रहा, देखो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं समझता हूँ बहुत खुश हुआ मेरा दिल यहाँ पर आ करके, मैं तो समझता हूँ अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, कृपालु महाराज जी का ये जन्म स्थान है, कृपालु महाराज जी का जो है ना यहीं पर जन्म हुआ था, तो उन्हीं का ये गांव है, गांव में उन्होंने अपना ये व्यवस्था सारी बनवा रखी और मंदिर बहुत सुंदर बनवाया हुआ। देखिए दोस्तों, कितना भीड़ है मंदिर में, अब मंदिर के गेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोग दिखाना चाहता हूँ ये कृपालु धाम। देखिए हम लोग यहाँ से गेट के अंदर एंट्री करेंगे, गेट के अंदर हम सब लोग एंट्री करते हैं, कृपालु महाराज जी का धाम, क्या हमारा किस्मत है, बहुत अच्छी जगह में हम आ चुके हैं। और आप लोग इधर जाइए, ये लेडीजों का रास्ता देखिए, ये लेडीज जाएंगे इधर से एंट्री करेंगी और जेंट्सों की ये रही लाइन। जरूर दोस्तों, हम लोग लाइन में लग चुके हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, पूरी व्यवस्थाएँ यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है मंदिर में आने के लिए, आप लोग आइए यहाँ पे। देखिए हम लोग गेट से अंदर आ चुके हैं, हम अपने आप को चेकिंग करवा करके बाकायदा, तो देखिए सबसे पहले राधा रानी की फोटो के सामने पहुँचे थे, बहुत अच्छा ही दृश्य, हम लोग आप लोगों को सिर्फ क्या बोलूँ, ये कितना ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा।
भैया मैं तो कहता हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग आइए, यह हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मानिकपुर क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में पड़ता है, कृपालू जी महाराज जी का स्थान है, बहुत ही प्यारा धाम है, तो आप लोग आइएगा। थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा हो रहा तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों, तो आप लोग वीडियो मेरा पूरा देखिएगा। ये हम लोग सारे जितनी लेडीज हमारे साथ में आई हूँ, सारे लोग हम साथ में जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कृपालू जी महाराज जी का धाम है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मथुरा वृंदावन और अपना जहाँ पे प्रेम मंदिर है उसी तरीके का सेम मंदिर है यहाँ पर। तो आप लोगों को हम अभी दिखाएंगे, पूरे मंदिर को भ्रमण करेंगे और मंदिर के बारे में एक एक चीज बताएंगे। और आप लोग प्लीज, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, राधा रानी की कृपा हम पर बनी रहे, आप सब पे बनी रहे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो को आप लोग ना स्किप मत करिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो बहुत अच्छा स्थान है, आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए मेरे सामने कितने लोग जा रहे हैं, कि हम लोग आए और शाम को ना बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, दिल तो गदगद हो रहा है यहाँ पर आ करके। मैं आप लोगों से अपने दिल की जो है सारी चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितना खुशी मिल रही है यहाँ पर आ करके। और देखिए आप लोगों को कितना बेहतरीन नज़ारा है, देखिए सच में ना हम लोग कहाँ आए हुए हैं। और देखिए बहुत ही सराहनीय दृश्य, कैसा लग रहा है यहाँ करके, कैसा देखने में कैसा है यहाँ पे, बहुत अच्छा घूमने, अभी तो बंदर देख के बताएंगे कि कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को अंदर के भी भ्रमण कराएंगे और दर्शन कराएंगे, राधा रानी का करवा कहते नहीं है, प्रेम मंदिर को ही कहते हैं, आप प्रेम से घर परिवार सबसे प्रेम से रहिए, उसी को कहते हैं प्रेम मंदिर। में यो मंदिर 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 जाने का रास्ता बहुत हरा भरा, कहते हैं हरा भरा बहुत ही अच्छा स्थान। जगत गुरु कृपालू जी महाराज जी हैं, उन्हीं का स्थान। कई पेड़ कितना यहाँ, आम कितना लगा हुआ है, देखिए यहाँ जूता चप्पल भी जमा करने का कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे जूता घर जूता चप्पल व्यवस्थाएं जमा करने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, जूते चप्पल भी जमा करने के लिए कोई पे नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारा निशुल्क व्यवस्था, कोई भी चीज़ है यहाँ पे सारा निशुल्क है। आप लोगों से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी दोस्तों से, मेरी बहनों से, सभी से, सब लोग यहाँ आने की कोशिश करिए। और ये हमारे उत्तर प्रदेश में कृपालू जी महाराज का प्रेम मंदिर है, जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में है उसी तरीके सेम मंदिर है हमारे उत्तर प्रदेश के। ये पड़ जाता है मेरे हिसाब से रायबरेली में ये पड़ता है, या तो और ये कुंडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कुंडा जो राजा भैया जी का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पड़ता है, बहुत ही। ये दोस्तों हम लोग मंदिर के जस्ट पास में, प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, कृपालू जी महाराज जी का स्थान प्रेम मंदिर के जस्ट हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अब शायद हम पहुंच ही गए हैं। तो देखिए राधे 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 राधे, कृपालू धाम में हार्दिक अभिनंदन श्री कृपालू। देखिए आपको मंदिर के साथ प्रांगण में पहुंच चुके हैं, मंदिर के प्रांगण में हैं, और आप लोगों मंदिर के जस्ट दीवार के साथ साथ चल करके हम आप लोगों पूरी मंदिर के दर्शन करवाएंगे। देखिए भक्ति मंदिर है, भक्ति मंदिर, ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। अच्छा,
आप लोगों से सॉरी, मेरे नॉलेज थोड़ा सा मुझे कम थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे पड़ता है कुंडा क्षेत्र में पड़ता है प्रेम मंदिर। ये जो हमारे वृंदावन में बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ का ही। चलिए दोस्तों, हम लोग मंदिर में पहुँच रहे हैं, देखिए। देखिए दोस्तों कितना प्यारा स्थान है ये, और ये प्रेम मंदिर है। हम लोग आए हैं भक्ति मंदिर में, अभी इस टाइम हमें मौजूद है भक्ति मंदिर में। देखिए अच्छा नज़ारा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे दिल से आप लोग आइएगा यहाँ और दर्शन करिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, बहुत ही प्यारा स्थान है। देखिए जी महाराज जी का पुराना फोटो, जी कृपानंद महाराज जी हैं। दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं, हम लोग पूरे दर्शन करने के लिए मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। आइए ग्रहण करते हुए, देखिए अंदर की वीडियो बनाने नहीं देते हैं, लेकिन हम फिर बाहर निकल आए हैं अब मंदिर से, अब बाहर की कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की। देखिए अब यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अंदर की वीडियो बनाने नहीं दिए हैं हम लोगों को। बहुत अच्छा स्थान है भैया, बहुत स्थान राधा रानी का स्थान। मैं कहता हूँ भैया, मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आइएगा यहाँ, सब लोग आना। ये मंदिर का अंदर का दृश्य, मंदिर के अंदर कैमरा चलाने नहीं देते, इस वजह से आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता अंदर का मंदिर के। बाहर का सारा दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, सारा दृश्य जो बाहर का है। माखन चोर, एक उसमें नहीं आएगा, एक ब्लॉग में नहीं आएगा।
दोस्तों यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत बड़ा स्थान है, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत टाइम लगता है घूमने के लिए। तो देखिए अभी हम पूरा स्थान घूमने भी नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग सारे लोग कैसा लग रहा है घूमने में यहाँ पे? इतना अच्छा, बहुत अच्छा प्रेम मंदिर, जितना प्रेम उससे ज्यादा कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत बहुत। हेलो, ये दोस्तों श्री कृपालु महाराज धाम, कृपालु धाम। ये अब मैं आपको सारा गायियाँ वगैरह सब चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ से। कितना अच्छा स्थान है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा स्थान है, बहुत बहुत जबरदस्त। अपने साथ आए हुए बच्चों राधे राधे आप सभी दर्शकों का कृपालु धाम में सब। ये देखिए मैं आप लोगों से क्या कहूँ, जितनी यहाँ की मैं तारीफ़ करूँ उतना ही कम है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस स्थान के बारे में बोलने के लिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है इस स्थान में आप लोग आने का कष्ट करें। और देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हिंदुस्तान में हमारे बहुत ही अच्छा ही एक ये स्थान है। फोटो खींच जा रहा है मौसम में। जय श्री राम, जय श्री प्रभु श्री राम।
बेचारी रानी है। हाँ हाँ, एक चेहरा की चारों भाई बहुत ही मनमोहक दृश्य आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, मुझसे जितना कोशिश हो गया उतना, लेकिन मैं मुझे लग रहा है मैं पूरी तरीके से पूरा मंदिर के मैं दर्शन नहीं आप लोगों को करवा पाऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से, क्योंकि ना मेरी वीडियो ये बहुत बड़ी हो रही है। ये समुद्र में सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी द्वारा समुद्र में पुल बनाया जा रहा था, उसी का पूरी बानर सेना लगी हुई है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया गया पूरी तरीके से। दोस्तों मैंने आपको दिखाया कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान से शक्ति मंदिर, भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, जो यहाँ पे सारे मौजूद हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में मंदिर है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ आएँ और इस मंदिर में आकर के राधा रानी जी के दर्शन करिए। और देखिए, मैं समझता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुंडा जिला, कुंडा क्षेत्र में पड़ता है ये मंदिर, जो शाम
जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अब यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही सुहाना, बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर और अच्छा भव्य मंदिर है। आप लोग आइएगा, यहाँ दिखाऊँ मैंने जो हो सका मुझसे, मैं दिखाया आप लोगों को, और आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती हो तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूं। इस तरीके आप लोग देखिएगा मेरा ब्लॉग, आप लोग कैसा लगा, और कोशिश किया मैंने सारा कुछ दिखाने का आपको इस मंदिर के बारे में। और बस आप लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि आप इस जगह की मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे तो अभी तक का मेरा जो जीवन है, जितने साल का मैं हूँ अभी 40+ का हूँ हो चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा धाम लगा। तो मैं इसी के साथ आप लोगों के साथ सामने मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, जो भी गलतियाँ हो माफ़ करना, और जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। ये मंदिर के सामने बिल्कुल बहुत अच्छा मेला लगता है, मंदिर के जस्ट सामने मेला भी लगता है। तो देखिए पीछे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, आप लोग देखिएगा पूरा, आइएगा, मंदिर भी घूमिएगा और मेला भी घूमिएगा, साथ साथ दो काम हो गए, मंदिर में दर्शन भी करिए, मेला भी घूमिए, और अपना मन पसंद का सामान भी लेंगे और प्रसाद भी लेंगे, प्रसाद भी मिलता है यहाँ पर, प्रसाद और चिकन का मिल जाएगा। यहाँ मेला भी बहुत अच्छा लगता है, दुकानें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मेले पूरा मेला बहुत अच्छा है। सारे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मार्केट है, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है, सारा कुछ। प्रसाद की भी दुकान है, प्रसाद भी देखिए, ये प्रसाद भी मिलता है यहाँ। अब मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों को मेले के अंदर, देखिए मंदिर के जस्ट सामने है मेला, और मेले में देखिए कितना भीड़ है, मेला ही बहुत अच्छा मेला है यहाँ का, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी है। मेले के अंदर हर एक आइटम आपको मिल जाएगा, विसाद खाने, कॉस्मेटिक और प्रसाद भी यहाँ मिलता है। देखिए सामने पीछे देख सकते हैं आप दुकान, और जो सामने भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को सारी दुकानें, तो देखिए सारी दुकानें हैं, कॉस्मेटिक का सारा सामान यहाँ पर मिलता है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का सामान है सारा, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, चलिए दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को यहीं से एंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जल्दी दिखाया मैंने अपनी समझ से सारा को दिखाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन अब आपका फर्ज बनता है यहाँ पे आइए कपालू धाम स्थान में घूमने के लिए, आप लोग आइएगा प्लीज प्लीज। देखिए प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पे, प्रसाद भी है यार, लोग देखिए प्रसाद ले रहे हैं। इस सामने है मंदिर, मंदिर भी सामने दिखाना चाह रहा हूँ, कपालू जी महाराज का मंदिर है, और ये प्रसाद की दुकानें हैं, बहुत भीड़ लगता है यहाँ। ये मेन गेट है कपालू जी महाराज जी का धाम है, ये मेन गेट के सामने है।